students. Yesterday we have seen the subject and predicate, but in that video my voice is not clear, so that's why I'm going to make this another video in clear voice. Okay, जो पुराना वीडियो था उसमें मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने आपको ये फिर से एक नया वीडियो बनाया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, हम देख रहे हैं सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स, तो सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स में सेंटेंस हैज टू पार्ट, आपको पता ही चलेगा कि सेंटेंस में दो तरह के पार्ट होते हैं। ओके, जिस तरह से यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, मतलब राहुल को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये है, ऐसे दो पार्ट होते हैं। तो राहुल इज सब्जेक्ट, इसमें क्या है, राहुल इज सब्जेक्ट है। दिस सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, अभी आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है ग्रामर के पहले चैप्टर में कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए। कंप्लीट सेंस होना बहुत ही जरूरी है, उसमें एक मीनिंग होना चाहिए, जैसी मीनिंग है उसमें मींस टू सेंटेंस, अदरवाइज नॉट अ सेंटेंस। प्लेइंग फुटबॉल में कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस के लिए क्या होता है, तो राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, मतलब राहुल को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। ओके, सो इसमें राहुल और लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल ये दो सेगमेंट है इसमें, जैसे आप ये देखेंगे। ओके, तो ये वाला जो है ये सेगमेंट, यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं, तो राहुल एक सेगमेंट है और लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल ये एक दूसरा सेगमेंट है। इस यहाँ पे देखिए, राहुल इज द सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट राहुल, राहुल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है ये राहुल के रिगार्डिंग है। हम ये कैसे बोल सकते हैं, तो जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में लिखते हैं रिगार्डिंग फॉर लीव, मतलब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं कल काम पे नहीं आ सकता। जैसे मान लो कि रिगार्डिंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट इतने बाबत, इस तरह से हम लिखते हैं, तो वो होता है सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, तो ये सब्जेक्ट है, कौन है, किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, राहुल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई राहुल इज द सब्जेक्ट। उसके नीचे दिया हुआ है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में क्या है, तो लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट राहुल, सब्जेक्ट राहुल के ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रेडिकेट दिया हुआ है, तो मतलब राहुल है, लेकिन राहुल के रिगार्डिंग जो भी बातें है वो कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, तो दैट्स व्हाई लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल इज द प्रेडिकेट एंड राहुल इज द सब्जेक्ट। आप ये कोई भी सेंटेंस हो इसमें इसी तरह का पैटर्न होता है। ओके, सेंटेंस हैज अ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अभी देखिए यहाँ पे द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और हुम, क्या और कहा और किसके रिगार्डिंग है, द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस का कोई भी पार्ट है जो हमें क्या और कहा और कौन इसके रिगार्डिंग जो बताता है इट्स कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और नेक्स्ट वाला है द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो हमें सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, तो अभी जिस तरह से यहाँ पे देखिए द गर्ल्स, लड़कियां यहाँ पे खेल रही है, दे आर नॉट टायर्ड, मतलब वो थकी नहीं है, अभी भी खेल रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक टोटली कंप्लीट सेंटेंस है और ये सेंटेंस में सेंस भी है। ओके, सेंस होने की वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज द कंप्लीट सेंटेंस। तो अभी यहाँ पे देखिए द गर्ल्स, ये क्या है, ये गर्ल्स के रिगार्डिंग सेंटेंस है, गर्ल्स आर नॉट टायर्ड, नॉट टायर्ड मतलब कौन टायर्ड नहीं है, कौन थका नहीं है, गर्ल्स थकी हुई नहीं है, यहाँ पे जो लड़की है वो क्या हो गया, गर्ल्स होगी सब्जेक्ट। ओके, और गर्ल्स के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, आर नॉट टायर्ड, तो ये किसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, यहाँ पे देखिए प्रेडिकेट्स में द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, आर नॉट टायर्ड, कौन टायर्ड नहीं है,
तो गर्ल्स टायर्ड नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट में क्या होता है, दिस प्रेडिकेट आल्सो इंक्लूड द वर्ब। ये देखिए यहाँ पे ये जो वर्ब है इसको हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो इंक्लूड द वर्ब। देखिए यहाँ पे जो है द वर्ब, ओके नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके बुक में भी देखिए द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड वर्ब। द प्रेडिकेट ऑलवेज, ये शब्द को ध्यान में रखिए, मतलब हमेशा। वर्ब कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट में आएगा क्या? नहीं, वर्ब ऑलवेज इन प्रेडिकेट, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो सब्जेक्ट में आपने वर्ब बोल दिया तो दैट इज रॉन्ग, वो टोटली गलत हो जाएगा। अभी उसके बाद में यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें दो बॉक्स है, इस तरह से आप बॉक्स अपने नोटबुक में बना लीजिए। अभी इसमें देखिए जिस तरह से दिया हुआ है सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स क्या है? द बॉय, बॉय वॉज चेसिंग अ कैट, बॉय बिल्ली के पीछे भाग रहा है, बिल्ली को पकड़ रहा है, ओके। तो ये इसमें जो बॉय है ये क्या है? दिस इज द सब्जेक्ट। वॉज चेसिंग अ कैट, इट इज द प्रेडिकेट। अभी मैं क्या करूंगा, आपको कुछ पैराग्राफ दूंगा, उसमें कुछ सेंटेंस रहेंगे, उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स ऐसा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? होमवर्क के तौर पर इस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ओके। नेक्स्ट है सूरज इज स्लीपिंग, सूरज इज स्लीपिंग, सूरज क्या कर रहा है? सो रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सूरज, और इज स्लीपिंग क्या है? तो प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देखिए ये जो वॉज है दिस इज द वर्ब, ये वर्ब है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रेडिकेट्स ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है। तो वर्ब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट में, नहीं यहाँ पे है प्रेडिकेट में है, ऑलवेज यही पे रहेगा, ओके। ऑलवेज द वर्ब प्रेजेंट इन प्रेडिकेट्स। द टॉय कार वॉज रनिंग ऑन द ट्रैक, टॉय कार है ट्रैक के ऊपर चल रही है, तो द टॉय कार इज द सब्जेक्ट। उसके बाद में द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर सी, तो हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर क्या है? ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, ओके। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो पॉज प्ले करके बार बार देखिए, इसको देख के आप समझिए। वो समझने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो ये एक्सरसाइज है इसको आपको सॉल्व करना है आपके नोटबुक में, यहाँ पे आपके नोटबुक में इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय में ध्यान रखिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए क्या पूछा है। सर्कल द सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट्स को क्या करना है? गोल करना है। एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स, तो प्रेडिकेट्स को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, द बर्ड्स इज फ्लाइंग, तो इसमें द बर्ड क्या है? ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे आप? सर्कल, इसको गोल करेंगे। प्रेडिकेट कौन सा है? इस प्लाइंग, तो इसको क्या करेंगे आप? अंडरलाइन। तो आपको समझ में आएगा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ओके। उसके बाद में है सब्जेक्ट्स इन कमांड, सब्जेक्ट्स इन कमांड में क्या है? रीड दिस सेंटेंसेस, कम हियर, डोंट टॉक। तो मतलब सब्जेक्ट्स कमांड्स में सब्जेक्ट होते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं, कहीं कहीं पे नहीं होते हैं, ओके। सो दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, सब्जेक्ट मेंशन है कि इसमें कम हियर, इधर आओ। मान लो कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो इधर आओ कहा तो हम किसको कह सकते हैं? सभी को कह सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर को बुलाना है तो उसकी तरफ हमें उम्मीद दिखानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा यू कम हियर, और हमें नाम लेना पड़ेगा भैया कम हियर। तो इस तरीके से वो मेंशन होता है और कई कई जगह पे मेंशन नहीं भी होता है। तो द सब्जेक्ट इज एक्चुअली यू एंड द सेंटेंस एक्चुअली रीड लाइक द फॉलोइंग, यू कम हियर, तो इसमें क्या है? दिस इज द सब्जेक्ट, और ये क्या है? दिस इज द प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देखिए दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, तो ये क्या है? सब्जेक्ट कमांड में हम बोलते हैं, तो प्रेडिकेट्स क्या है? कम हियर, सब्जेक्ट कौन सा? यू। लाइक दैट यू डोंट टॉक, तुम बात मत करो, तो इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट है, और डोंट टॉक क्या है? प्रेडिकेट है। तो इसमें रिमेम्बर दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप इसको पढ़िए और इसको ध्यान में रखिए हमेशा के लिए। ऑल कमांड्स सब्जेक्ट इज यू इज नॉट मेंशन इन सेंटेंस बट इट इज अंडरस्टूड, तो लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है कि उसके हैं। तो यही मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका एक खासियत है कि आपको कुछ कुछ चीजें आपको बाय प्रैक्टिस आएगी, यू हैव टू स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी जो डाउट्स हैं क्लियर होते जाएंगे, ओके।
उसके बाद में नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन, द सब्जेक्ट्स यूजुअली कम्स फॉर द प्रेडिकेट्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप अभी ये जो एक सॉल्व कीजिए और उसके साथ में मैं आपको पैराग्राफ भेजता हूँ, उसमें भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन। ओके, सो थैंक यू।